भाई हट जा थोड़ा सा। इमरजेंसी लग चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो कोई ऐलान हुआ ही नहीं, तो मैं किस बिहाफ पे कह रही हूँ। पत्रकारिता पर लगातार सत्ता को आईना दिखाने वाले पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके घरों को आग लगा दी जाती है, और तो और जब पेट नहीं भरता तो उनके ऊपर ईडी के छापे मार दिए जाते हैं और उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। जी हाँ दोस्तों, सत्ता जब समझ नहीं पा रही है कि 2024 का इलेक्शन कैसे जीता जाए, तो उनकी सत्ता को आईना दिखाने वाले तमाम पत्रकारों पर, न्यूज़ चैनल्स पर, तमाम जगह ईडी की रेड डालकर अपने काम को अंजाम देते हुए नजर आ रही हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि न्यूज क्लिक के दफ्तर पर ईडी के छापे पड़े हैं। अब हिसार शर्मा, भाषा सिंह और उर्मिलेश जी, तमाम लोगों के घरों पर छापे मारे गए, उनके फोन, लैपटॉप सब जब्त कर लिए गए। उर्मिलेश जी को भी अपने साथ लेके गई है दिल्ली पुलिस। और इन लोगों का जुर्म क्या है? इन लोगों का जुर्म यह है कि ये सत्ता को आईना दिखाने का काम करते हैं, ये सत्ता को मनमानी करने वाले ढंग को भी आईना दिखाते हैं। और तो और जब पुलिस घर पहुंची, न्यूज़ क्लिक के दफ्तर पहुंची, 30 से ज्यादा जगह पर छापेमारी की गई, सारे डॉक्यूमेंट्स को जब्त कर लिया गया है और अब तो पत्रकारों को भी गिरफ्तार करना स्टार्ट कर दिया गया है। आपको बता दें खबर में जाने से पहले कि अभिसार, भाषा सिंह, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और तमाम लोगों ने इस बात को खुद पुख्ता किया है कि दिल्ली पुलिस लैंडेड टू एट माय हाउस टेकिंग अवे माय लैपटॉप एंड फोन। भाषा सिंह लिखती हैं कि ये मेरी आखिरी ट्वीट है इस फोन से, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने मेरे फोन को जब्त कर लिया है। उसी के साथ अभिनंदन सीकरी लिखते हैं कि दिल्ली पुलिस आई कॉमेडी ढंग से और उन्होंने मेरे घर पर पूरी तरीके से फैब्रिकेटिंग करते हुए मेरे फोन, लैपटॉप को इन्वेस्टिगेशन के नाम पर जब्त कर लिया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी इस मामले में पूरी तरीके से कंडम किया है इसको, कि जर्नलिस्ट पर लगातार मल्टीपल रेड्स डालने के से वो कंडक्ट करते हैं। और उसी के साथ उनका ये भी कहना है कि हम देख रहे हैं ये डेवलपमेंट जो लगातार सच्ची पत्रकारिता करने वालों पर सरकार हमला कर रही है। देखने वाली बात ये है कि आओ छापे मारो, गिरफ्तार करो और वाहवाही करो। आपको याद होगा कि न्यूज़ क्लिक का नाम उस वक्त चर्चाओं में आ गया जब संसद में निशिकांत दुबे ने अमेरिका के छपे पेपर का हवाला देते हुए कहा कि चीन से फंडिंग हुई है, भारत में पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ पूरा प्रोपोगंडा रचने के लिए। आपको याद होगा कि एक पूरा का पूरा पेपर निशिकांत दुबे कहते हुए नजर आए थे कि कैसे सी कांग्रेस, चाइना, न्यूज़ क्लिक ने मिलकर भारत के खिलाफ पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा रचा है। और ये रेड पहले भी हो चुकी है, लगातार न्यूज़ क्लिक पर रेड होती रही है और न्यूज़ क्लिक बिना डरे आपके सामने देश में हो रही तमाम नाइंसाफियों की तस्वीर रखता है, वो भी बिना डरे। लेकिन जब पत्रकारों पर ही हमले होंगे तो पत्रकारों के लिए भी वो वक्त जागने वाला है कि जो अपना मुंह बंद करके बैठ जाते हैं कि जी हमारी बारी नहीं आएगी, कहने वालों के ऊपर भी आज उनके ऊपर बारी आ गई है। क्योंकि जब हमारा घर जला तब भी हमने सारा रवैया देखा, और आज जब न्यूज़ क्लिक के तमाम सीनियर जर्नलिस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पत्रकारिता करते हैं, तो आज हम ये भी दौर देख रहे हैं।
दोस्तों हम आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला, और उसी के साथ आपको इस बात पर भी, आपको इस बात के बारे में भी बताएंगे कि कैसे दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को न्यूज क्लिक के ऊपर रेड मारी है। और उसी के साथ दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने ये भी बता दिया है कि ये वेबसाइट पर 23 से ज्यादा लोकेशंस पर छापा मारा गया है, पत्रकारों को भी अपने साथ ले गई है। दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई यूएपीए के तहत की है। 2 महीने पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में ये बताया गया था कि वो वामपंथी अरबपतियों के हिसाब से उन्हें फंडिंग की जाती है और चाइना का प्रोपोगंडा बढ़ाने के लिए वो दुनिया भर की संस्थाओं को फंडिंग देते हैं। आपको जानकर ये भी हैरानी होगी दोस्तों कि इस रिपोर्ट के आधार पर 17 अगस्त को न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए सेक्शन 153A धर्म जाति के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 120B आपराधिक षड्यंत्रों में भागीदारी समेत कई तरह के सेक्शंस के साथ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। और एफआईआर नंबर है 224/2023। इस रेड को लेकर अनुराग ठाकुर ने भी कहा था कि मुझे किसी भी बात की सफाई देने की जरूरत नहीं है, अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो गलत तरीके से उसके पास पैसा आया है तो जांच तो होगी, गाइडलाइन के तहत पूरी तरीके से ईडी को आजादी है उनसे सवाल करने की, उनसे उनकी जांच करने की, उनसे पड़ताल करने की, और अगर जरूरत पड़ती है तो उन्हें गिरफ्तार भी करना पड़े तो उन्हें सहयोग करना पड़ेगा कि आप गलत तरीके से पैसे लिए हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा। ये सरकार कितनी दूध की धुली है ये हर कोई जानता है। दोस्तों आगे बताते हैं कि आपको ये भी जानना चाहिए कि पहले ही हाईकोर्ट ने रोक लगाई हुई थी इस मामले में। 22 अगस्त को अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज क्लिक के एडिटर ऑफ चीफ प्रबल को नोटिस दिया था, और इस नोटिस के तहत इनकम टैक्स ईओडब्ल्यू की याचिका दी गई थी, और इस याचिका के तहत अंतिम आदेश को वापस लेने के लिए अपील की गई थी, जिसमें वेबसाइट के खिलाफ सख्त एक्शन लेने पर रोक लगा दी गई थी। दरअसल 7 जुलाई 2014 में गिरफ्तारी न करने का आदेश दिया गया था। हालांकि कोर्ट ने यह कह दिया था कि याचिका के बाद कोर्ट ने पूरी तरीके से जवाब तलब करने के लिए दिल्ली पुलिस को कहा गया था, और पुलिस कितना जवाब तलब करती है मुझे आपको इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अब आपको इस बात पर गौर करना चाहिए कि सत्ता बहाने खोजती है तमाम सच बोलने वाले पत्रकार, पत्रकारिता, न्यूज वेबसाइट, यूट्यूब चैनल को निशाना बनाने के लिए। बार बार ये बात मैं आपके कान में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब तक बार बार नहीं बोला जाता तब तक आपके कानों में भी इस बात की सुगबुगाहट नहीं होती कि सच्ची पत्रकारिता करने वाले गिनती के ही कुछ लोग हैं जिन्हें आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन आप भी अपनी सिलेक्टिवनेस की तरह से दुनियादारी दिखाते रहते हैं। अब बात करते हैं कि न्यूज क्लिक का मुद्दा जब संसद में उठा तो 7 अगस्त को निशिकांत दुबे ने न्यूज क्लिक को फंडिंग मिलने के मामले में चीनी फंडिंग का मामला उठाया था। न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला देते हुए उन्होंने बताया था कि अमेरिकी वामपंथी अरब पति नोबोय राय सिंघम ने फाइनेंस किया था और चाइनीज प्रोपोगंडा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर की संस्थाओं को फंडिंग दिया था। और इसी के साथ अनुराग ठाकुर ने भी कहा था कि कांग्रेस, चीन और विवादित न्यूज क्लिक एक गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में पड़ोसी सामान साफ देखा जा सकता है। चीन के प्रति उनका प्रेम नजर आ रहा है और वे भारत के विरोधी अभिमान को चला रहे हैं।